आज मैं आपको बहुत ही एक सिंपल टेक्निक समझाने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड विद द फियर ऑफ द वायरस ऑफ फियर, जो आप बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आती, घबराहट होता है, चिड़चिड़ापन होता है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं लगता है और फ्यूचर को लेके हम बहुत परेशान होते हैं. सो ऑल दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये पहले भी समझा चुकी हूँ कि आपके सोने का वक्त जो एक घंटा होता है और जो उठने के बाद का एक घंटा होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इस वक्त आप प्लीज़ कोई भी टाइप की न्यूज़, नेगेटिव डेटा, कौन मर गया, कहाँ क्या, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ नहीं देखेंगे. ट्राई अवॉइडिंग इट. इट्स वेरी गुड दैट आप यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, पर अक्सर टीवी ऑन करके इन चीज़ों को देखना इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज योर एंग्जाइटी विल कीप इंक्रीजिंग इन दिस वे. इतनी ज़्यादा आप अंदर अपनी नेगेटिविटी ले रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. योर थॉट्स ट्रैवल फास्टर दैन योर वर्ड्स. सो आपके जो विचार होते हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलते हैं और उनका सही होना बहुत ज़रूरी होता है. देर हैज़ टू बी कम्प्लीट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर थॉट्स एंड वर्ड्स. आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं उसका तालमेल बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ज़रूर बोलते हैं आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, पर अंदर से आप खुद अपनी विजुअलाइजेशन, जो आपकी इमेजिनेशन है, सोच है, आप उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं. हाय, मेरा गला दर्द हो रहा है, मुझे अभी बुखार चढ़ रहा है, अगर मुझे ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, बेड मिलेगा या नहीं. आपकी इमेजिनेशन इज़ गोइंग टू फार. तो आप इस चीज़ को प्लीज़ रोकिए. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम और वॉक, वॉट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ वेरी गुड, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर आप वो करते समय कंटिन्यूसली दिमाग में नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं. सो आपको बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को सही रखना है, इस वक्त पॉजिटिव रखना है. आई एम अगेन रिपीटिंग द टेक्निक जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. इट्स सिंपल हमिंग या गुंजार जिसे हम बोलते हैं. आप इसको दिन में 6 से 7 बार करेंगे. आप इसे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं. एक बार में आप गुंजार को 11 दफ़ा करेंगे. गुंजार आप करेंगे कैसे, सांस को आप अंदर लेंगे और बाहर छोड़ते समय आप बहुत लाउड हमिंग करेंगे इस तरीके से. दिस इज वेरी सिंपल हमिंग विच यू विल टेक एज लॉन्ग एज यू कैन. आपने इसको तकरीबन 11 बार करना है. उसके बाद आप एक सिंपल सा ऑटो सजेशन बोलेंगे, वो भी आप 11 दफ़ा बोलेंगे, दैट आई एम फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स, आई एम हेल्दी. आप हिंदी में इसको बोलेंगे, मैं हर डर से मुक्त हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ. आपने इसको 11 दफ़ा बोलना है, तो मतलब कहने का 11 गुंजार और 11 ऑटो सजेशन. आप दिन में 6 से 7 बार करेंगे, 8 से 9 बार भी कर सकते हैं, पर करते समय आपकी आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी. आप इस टेक्निक को फॉलो करिए. दिखने सुनने में ये आपको बहुत सिंपल लग रही है, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आपके दिमाग में, जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता है, वो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करता है. द स्ट्रेस एट द सबकॉन्शियस लेवल फॉर ऑल दैट यू आर थिंकिंग इज गोइंग देयर एंड सेटलिंग, एंड इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू योर सेल्फ आर नॉट अवेयर ऑफ. जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया, जो जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं, नींद नहीं आना, घबराहट होना, डिमोटिवेट होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको बहुत ज़्यादा जो इस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक. आप घर में बैठे बैठे इसको आराम से कर सकते हैं. बस आपको ध्यान
रखना है कि आपकी आंखें बंद रहें, बिकॉज 90% ऑफ योर एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू योर आईज। और दिन में आप इसको 8 बार 9 बार 10 बार आप करें। खाने पीने से कुछ इसका ताल्लुक नहीं होता है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। सो कीप डूइंग दिस। आई विल अगेन कम बैक विद अ वेरी सिंपल टेक्निक फॉर यू, सो दैट आप घर में बैठे बैठे कर पाएं। एंड टिल देन यू स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।